नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा है विजयदशमी। अलग अलग स्थानों पर रावण दहन का आयोजन। इसी दिन हुआ था भगवान राम और रावण के बीच युद्ध का अंत। बालू अवैध खनन रोकने की नई योजना। कंट्रोल सेंटर से होगी मॉनिटरिंग। ड्रोन से कसा जाएगा शिकंजा। बिहार के ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के लिए पंजीकरण शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर। दीपावली और छठ पर यात्रियों को राहत। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी ट्रेन। और तीसरे T20 में भारत की नजरें। क्लीन स्वीप पर बांग्लादेश के खिलाफ जीत की उम्मीदें। भारत और बांग्लादेश के बीच आज होना है मैच। अब खबरें विस्तार से। पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स ने रेलवे में अप्रेंटिस के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें इलेक्ट्रीशियन के 130 पद, मैकेनिक डीजल 30 पद, मशीनिस्ट 20 पद, फिटर के लिए 40 पद और वेल्डर के लिए 30 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 7 अक्टूबर से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 6 नवंबर 2024। 8वीं से लेकर 12वीं पास तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु जो है 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दशहरा, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है, जिसमें दसवीं तिथि सुबह 10:59 में शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। विजय मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 2:03 से 2:49 तक रहेगा, जबकि पूजा का शुभ समय 1:17 से 3:35 तक है। आज के दिन सार्वजनिक स्थानों पर खुले मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम और लंका नरेश रावण के युद्ध का समापन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को हुआ था। सरकार ने बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए हर जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन सेंटर्स में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, जिसमें 24 घंटे खनन गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। योजना के अनुसार 15 अक्टूबर से ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों की चौहद्दी की मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी। हाल ही में पुलिस ने सकरी गाँव से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पकड़े गए हैं। इसके अलावा हाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। हर साल की तरह इस साल भी आज दशहरा के अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटकर 90 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। आम लोगों का प्रवेश गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 से होगा, तो आप इन सभी गेटों के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे। निकास के समय सभी गेट खुले रहेंगे, जहां 128 सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांधी मैदान और आसपास निगरानी की जाएगी, जबकि दोपहर 1 बजे से गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। आज दोपहर एक बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। न्यू डाक बंगला से SP वर्मा रोड में भी नो एंट्री होगी। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जैसे गांधी चौक से भिकना पहाड़ी मोड़ होते हुए आने का रास्ता, पार्किंग के लिए AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, ज्ञान भवन और मौर्या लोक में स्थान उपलब्ध है। इस व्यवस्था के तहत गांधी मैदान में चारों ओर वाहन, ठेले और खोमचे की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। ये सब यातायात के सुगम संचालन और आगंतुकों की सुविधा के लिए किया गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंडिका स्थान मुंगेर की। बिहार के मुंगेर का चंडिका स्थान भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का नेत्र गिरा था,
इसके बाद मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ पूजा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। विशेष रूप से अष्टमी के दिन माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। मुंगेर खगड़िया अप्रोच पथ के निर्माण से श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले साल से काफी वृद्धि हुई है। भक्तों का विश्वास है कि माँ चंडिका उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। मान्यता है कि माँ के गर्भगृह के अंदर जो काजल निकलता है उसे लगाने से आंखों की समस्याओं जैसे कि मोतियाबिंद के उपचार में मददगार माना जाता है। इस नवरात्रि में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति चरम पर होती है। बिहार के हर नगर और ग्राम पंचायत में अब खेल क्लब बनने जा रहा है। इसके लिए आईपीआरडी द्वारा एक्स के माध्यम से जारी सूचना के मद्देनजर सभी क्लब आवेदक को पंजीकरण करने के लिए कहा गया है। आवेदक दिए गए लिंक हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को स्कैन करके भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। बता दें कि खेल क्लब बनने से स्थानीय युवाओं को खेल प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलेगा। पॉली हाउस या सीडनेट तकनीक से फसलों की खेती के कई फायदे होते हैं और पैदावार भी अधिक मिलती है। पॉली हाउस या सीडनेट तकनीक से खेती करने पर कीटों का प्रकोप कम होता है जिससे बेहतर पैदावार प्राप्त होती है। पॉली हाउस या सीडनेट का तापमान खुले खेत के तापमान से करीब 3 से 5 डिग्री तक कम होता है जिससे भीषण गर्मी से फसलों को झुलसने से बचाया जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। पॉली हाउस या सीडनेट में खेती के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे करीब 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। पॉली हाउस या सीडनेट में 70 से 80 किलोमीटर तक चलने वाली हवा प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऐसे में तेज हवा के कारण पौधों का गिर जाना जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती है। पॉली हाउस या सीडनेट में आप साल भर पर सुरक्षित तरीके से फल और सब्जियों की खेती आसानी से कर सकते हैं। पॉली हाउस या सीडनेट खेती किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित हो सकती है। बता दें कि बिहार सरकार लागत मूल्य पर 50% तक अनुदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर विजिट करिए। बिहार में जिला परिषद ने खाली पड़ी 8582.81 एकड़ जमीन को लीज पर देने का निर्णय लिया है। जमीन पर अवैध निर्माण और जल जमाव जैसी समस्याएं हैं लेकिन अब इसका सही उपयोग किया जाएगा। जिला परिषद ने यह फैसला किया है कि जमीन पर पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, होटल, मैरिज हॉल, सामूहिक भवन और शॉपिंग मॉल जैसे कि विभिन्न निर्माण किए जाएंगे। इससे होने वाली आय का इस्तेमाल सड़कों, नालियों और अन्य विकास कामों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन को खेती और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लीज पर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर स्थित जू सफारी और नेचर सफारी दुर्गा पूजा के अवसर पर दिनांक 11 और 12 अक्टूबर 2 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की गई थी। इस दौरान ये दोनों पर्यटन स्थल आज भी बंद रहेंगे। वहीं नालंदा जिले के वन पदाधिकारी राजकुमार एम ने बताया कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को दुर्गा पूजा पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सके। बता दें कि 13 अक्टूबर से दोनों पर्यटन स्थल पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। राजगीर के ये सफारी स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल है जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बता दें कि 13 अक्टूबर से दोनों पर्यटन स्थल पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आवेदन के लिए उम्र 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। इस साल 130 से अधिक कंपनियों ने 50,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के ऑफर दिए हैं खासकर तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में। अभ्यर्थी एक साइकिल में अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्प चुन सकते हैं। चयन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी और चयनित युवाओं को 8 से 25 नवंबर के बीच ऑफर लेटर मिलेगा। इंटर्नशिप का कार्यकाल 2 दिसंबर से शुरू होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहारी पहचान में आज बात होगी संचिता बासु की। संचिता का जन्म बिहार के भागलपुर में 24 मार्च 2003 को हुआ था। संचिता बासु साउथ इंडियन फिल्म जगत की अभिनेत्री हैं।
उन्होंने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लीड हीरोइन की भूमिका निभाया है। संचिता ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक पर वीडियो बनाकर की थी। भारत में टिकटॉक पर बैन लगने से पहले इनके 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। टिकटॉक बंद होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और स्नैप ऐप पर वीडियो बनाकर डालना शुरू किया और इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज वे किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस संचिता साउथ इंडस्ट्री में कई अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। दीपावली और छठ के त्योहारों के चलते पटना से दिल्ली के बीच सभी ट्रेनों में पूरी तरह बुकिंग होने के कारण भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए पहली बार स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन लगभग 11 घंटे 35 मिनट में दिल्ली से पटना का सफर तय करेगी। ये स्पेशल ट्रेन केवल बैठने के लिए होगी क्योंकि इसका संचालन स्लीपर वंदे भारत के रूप में नहीं किया जा रहा है। ट्रेन आरा और बक्सर जंक्शन सहित DDU प्रयागराज और कानपुर में भी रुकेगी। ट्रेन 30 अक्टूबर 1, 3 और 6 नवंबर को दिल्ली से और 31 अक्टूबर 2, 4 और 7 नवंबर पटना से चलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग से जमीन की रजिस्ट्री मूल्य का विवरण मांगा है। इससे रजिस्ट्री के न्यूनतम और अधिकतम दरों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे सम परिवर्तन के समय शुल्क निर्धारण में सहूलियत होगी। विभाग ने अन्य राज्यों से भी संबंधित नियमावली और विवरण जुटाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है जबकि नगर निकाय घर या अन्य निर्माण के लिए कर वसूलते हैं। इसके अलावा नालंदा जिले में भगवान बिघा कुतुलपुर और परियाना पैन के जीर्णोद्वार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इन पैनों के जीर्णोद्वार पर कुल 3.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें 475 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहाल होगी। आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है लेकिन सुबह उठते ही इसे चेक करने की आदत से कई नुकसान है। ये मानसिक तनाव और चिंता बढ़ाता है क्योंकि सुबह सुबह मिलने वाली सूचनाएं नकारात्मक हो सकती हैं। मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों पर बुरा असर डालती है जिससे थकावट और धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा सुबह का समय दिमाग की रचनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण होता है जो मोबाइल उपयोग से प्रभावित होता है। मल्टीटास्किंग की आदत भी ध्यान केंद्रित करने में कमी ला सकती है जिससे उत्पादकता घटती है। इसलिए सुबह के समय मोबाइल से दूरी बनाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज यानी विजयदशमी को बिहार में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बता दें कि आज के लिए मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं कई जगहों पर अधिकतम तापमान 34 से 36 और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित 3.21 लाख परिवारों को 225.25 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से भेज दिए हैं। 18 जिलों के पीड़ितों को 7,000 रुपए की राहत दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति की राशि दीपावली से पहले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को सहायता सुनिश्चित की जाएगी और कृषि विभाग को इस काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बाढ़ के दौरान जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उसमें कोई छूटे नहीं, सभी प्रभावित परिवारों को राशि अवश्य मिल जाए। बिहार के गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो गई है जो मार्च तक जारी रहेगी। थाई एयरलाइंस की पहली उड़ान 140 विदेशी पर्यटकों के साथ आई। वहीं म्यांमार, भूटान और अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी जल्द शुरू होंगी। बोधगया में पर्यटन सीजन के दौरान विदेशी श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आगमन होती है, खासकर महाबोधि मंदिर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत से पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी। 3 नवंबर को कठिन चिवरदान पूजा के लिए भी श्रद्धालुओं का आगमन होगा। गया एयरपोर्ट से कुल 16 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी जिससे बोधगया में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सरकार ने सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं स्वीकृत की है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार गंगा के किनारे बसे 27 शहरों में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 14 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि 15 पर तेजी से काम जारी है। खासकर राजधानी पटना में 1165 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें 350 MLD क्षमता के 11 STP लगाए जा रहे हैं। दीघा और कंकड़बाग में 2 बड़े STP का निर्माण किया जा रहा है। दीघा STP की लागत 824 करोड़ रुपए है, जबकि कंकड़बाग STP 578 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में हमसफर पॉलिसी शुरू की है, जिसका उद्देश्य हाईवे पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को इस नीति को लागू किया, जिसके तहत यात्रियों को 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर खाने पीने के रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और उचित दूरी पर फ्यूल स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इन फ्यूल स्टेशनों में टॉयलेट, बेबी केयर रूम और ट्रामा सेंटर की व्यवस्था होगी। पहले हाईवे पर शहरों की सीमा पर ही शौचालय और अच्छे फूड कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन इस नीति के तहत अब हाईवे पर लोगों को गांव और कस्बों से गुजरने वाले रास्ते पर भी सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। नई नीति से न केवल यात्रियों की बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि ये रोजगार के लिए अवसर भी उत्पन्न करेगी। हाल ही में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से अपील की थी कि वे बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लें। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को खुद अपने गठबंधन के बारे में विचार करना चाहिए। राजीव रंजन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जेपी नारायण के सच्चे अनुयायी है, जबकि समाजवादी पार्टी में केवल परिवार के सदस्यों को मुख्य पदों पर बैठाया गया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। दिवंगत रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतन टाटा को 1991 में जब टाटा समूह की जिम्मेदारी सौंपी गई, तभी से वे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर विराजमान थे, लेकिन अब ये कमान टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति के साथ नोएल टाटा को सौंप दी है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, जो पिछले 40 सालों से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि नोएल टाटा की टाटा ट्रस्ट के कामकाज में बेहद एक्टिव भूमिका रही है, जिससे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले की तैयारियां जोरों पर है। भारत ने पहले 2 मैचों में बांग्लादेश को धूल चटाते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। अब सभी की नजरें इस मैच पर है, जो आज हैदराबाद के राजीव गांधी उपल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम अब क्लीन स्वीप की कोशिश में है। वही बांग्लादेश की टीम इस दौरे का अंत एक जीत के साथ करना चाहेगी। पिछले टेस्ट मैचों में बांग्लादेश को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था और अब T20 में भी वे व्हाइट वॉश के करीब। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ था। आज के दिन सन 2008 में रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के लिए 3 माह पहले दी गई लगभग 500 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ली। केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी। आज के दिन 1864 में कामिनी राय का जन्म हुआ था। ये प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थी। आज के दिन 1888 में पेरिन बेन का जन्म हुआ था। ये पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुयायी बनी थी। और आज के दिन सन 1967 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 230.05 अंकों की कमी के साथ 81,381.36 पर और निफ्टी 34.20 अंकों की गिरावट के साथ 24,964.25 पर बंद हुए। बाजार ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ने कुछ समय के लिए उच्चतम स्तरों को छुआ। HCL टेक के शेयर में 1.70% की बढ़त रही, जबकि TCS के शेयर में 1.93% की गिरावट आई। टेक महिंद्रा और JSW स्टील में भी बढ़ोतरी हुई, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक और अन्य बड़े स्टॉक्स में गिरावट आई। बीते दिन फायदे में रहने वाले प्रमुख शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं।
बिहार डाक सर्किल ने पद्म विभूषण से सम्मानित उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष आवरण जारी किया। यह आवरण उनके उद्योग, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में योगदान का प्रतीक है। सीएम नीतीश कुमार ने भी रतन टाटा की विरासत को प्रेरणादायक बताते हुए शोक व्यक्त किया। विशेष आवरण का अनावरण मेघदूत भवन के सभागार में बिहार सर्किल पटना के मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर प्रसिद्ध डाक टिकट संग्राहक प्रदीप जैन ने कहा कि यह आवरण डाक टिकट संग्राहकों के लिए एक अनोखी संगणनीय वस्तु होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास से होगा, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है लिया टाटा, ऑप्शन बी है माया टाटा, ऑप्शन सी है नोएल टाटा और ऑप्शन डी है एन चंद्रशेखरन। इसका सही आंसर होगा सी, नोएल टाटा। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए है कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है एंडी मरे। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, राफेल नडाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी है 1863, ऑप्शन सी है 1871 और ऑप्शन डी है 1888। इसका सही आंसर होगा बी, 1863। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी है 1909 और ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन डी है 1917। इसका सही आंसर होगा 1917। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। उनके नाम है संजीव कुमार, विनय राज, विनोद महात्मा, राम बाबू यादव, अब्दुल राशिद, नीतीश खुराना, सुशांत गुप्ता, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, अमृत भारती, प्रकाश कुमार, उमेश ऋषिदेव, हीरालाल, कुश कुमार यादव, कृष्णा प्रसाद, अतीक खान, गुनर शर्मा, रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, इस बार आप रावण दहन देखने कहाँ जाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।